हेलो एवरीवन, आई एम पूजा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप देख सकते हो आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज पुलाव। तो मैं आज आपको पूरी रेसिपी उसकी मैं बताऊंगी कि कैसे बनाया है मैंने। आप पूरी एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा तो आपको पूरा। खड़े मसाले यहाँ पे रेडी कर लिए हैं, आप देख सकते हो इसमें क्या क्या है। यहाँ पे हमारे सब्जी भी रेडी है जो जो यहाँ पे इसमें डालना है हम लोगों को। अब मैं आगे आगे आपको बताती हूँ कैसे बना। हमने तेल थोड़ा सा जिस क्वांटिटी के हिसाब से बनाना है उतना आपको तेल। तेल गर्म हो गया, उसके बाद इसमें हमें डालना है खड़े। देखिए जैसे तेल गर्म हो गया मैंने डाल दिया खड़े मसाले, उसके बाद हमने डाल दिया प्याज और इसको हल्का सा भूनेंगे। देखिए लाइट ब्राउन थोड़ा सा हो गया है, थोड़ा सा पिंकिश कलर में। उसके बाद हमें इसमें डालना है फ्लावर और आलू डाल। साथ साथ हमने इसमें डाल दिया है आलू और फ्लावर, इसको भी साथ में ही फ्राई करेंगे। हमने दही, इससे ग्रेवी बनता है एक्चुअली, और दही में हमने डाल दिया है थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा डाल दिया लाल मिर्ची पाउडर, हमने डाल दिया यहाँ पे वेज बिरयानी मसाला थोड़ा सा, जो पुलाव मसाला होता है। अभी यहाँ पे मैंने डाल दिया थोड़ा सा फरसी। उसके बाद हमने डाल दिया इसमें मटर, आप देख सकते हो मटर थोड़े ज़्यादा क्वान्टिटी में डाला है बिकॉज हमें ज़्यादा पसंद है। तो आपको जैसे चाहिए वैसे आप मटर भी डाल सकते हो, गाजर भी डाल सकते हो इसमें आप। इसके बाद डालना है हमें कुछ टाइम बाद चलाने के बाद टमाटर। हमें डाल दिया यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट, उससे टेस्ट अच्छा आएगा। डाल दिया दो हरी मिर्च यहाँ पे कट करके, में थोड़ा सा मैंने डाल दिया पाव भाजी मसाला भी ऐड कर दिया, इससे टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है, आप भी ट्राई करना। उसको दही में हम लोगों ने मिक्स किया था मसाला, वो भी सारा कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। आ रही है इसमें स्वाद अनुसार नमक डालने की, जो देख सकते हो आपने मैंने डाल दिया है। इसको डाल के हम अच्छे से चला लेते हैं और इसको 5-10 मिनट तक हम इसको पकने देंगे ऐसे ही। राइस जो मैंने इसको भिगो कर रखा है, देख सकते हो इसको कुछ टाइम बाद 5-10 मिनट बाद मैंने देखा कि इसका कलर ऐसे हो गया है। अब इसमें टाइम है राइस डालने की। आपने लिया होगा उसका दुगना उसमें पानी डालना है, जितना भी राइस का क्वांटिटी होगा। बासमती राइस लिया है मैंने, सो अब मैं इसमें राइस डालती हूँ। राइस और पानी दोनों मैंने ऐड कर दिया है। कोरिएंडर, मैंने धनिया ले लिया है मैंने, हरा धनिया और पुदीना, ये इसमें ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए। और इसको चलाकर अच्छे से इसको ढक देंगे हम लोग। दो सीटी लगाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको रख दिया था, दो सीटी हो गई है। अब इसका प्रेशर कुकर हम लोग अपने आप खुलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही अपने आप खुल जाएगा तो मैं आपको खोल कर दिखाऊंगी कैसे बना है। देख सकते हो अभी मैं प्रेशर कुकर खोल के आपको दिखाती हूँ। देखिए आप कितना अच्छा खुशबू भी हुआ है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और हम आपको खाकर बताएंगे कैसा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।